घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम सवाल है जो तमाम लोग, तमाम विश्लेषक, राजनेता, राजनीतिक समीक्षक, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि इस चुनाव परिणाम, जो 5 राज्यों में चुनाव परिणाम हुए, वहाँ जो सरकार 4 राज्यों में लगभग, उसमें से उत्तराखंड यूपी छोड़ 3 राज्यों में, मणिपुर में और गोवा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, वहाँ कोई किसी भी तरह का सवाल नहीं है। सवाल इतना है कि इस चुनाव परिणाम का भारत, इसके बाद क्या भारत की सियासी तस्वीर जो है वो बदलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आएगा, जो लीडरशिप है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी चले गए हैं, सरकार में बदलाव होगा, केंद्र की सरकार में, राज्यों के सरकार में क्या बदलाव होगा? साथ ही साथ ये भी कि विपक्षी जो दल है, जो हार खास करके कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो इस चुनाव परिणाम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और लोग इसको जानना चाहते हैं। हमारे साथ दो राजनेता भी है, राजनीतिक समीक्षक, विश्लेषक, जो भी कह लें, लेकिन राजनेता तो हैं ही, कांग्रेस पार्टी से शकील साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शकील साहब। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राम सागर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे पहले शकील साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या वाकई इस चुनाव परिणाम का दूरगामी कोई परिणाम आप देख रहे हैं, या लगता है कि नहीं, एक जैसे हर जगह चुनाव होता है, सियासी प्रक्रिया चलती रहती है, इससे कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या उठा पटक नहीं हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई छोटे राज्य गोवा से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, अगर दोनों एक राज्य थे, दोनों को मिला लीजिए तो 85 पार्लियामेंट की सीट देता है ये दोनों स्टेट। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं इसको हम इजी ले लें। इसलिए इस जीत के, इस हार के इफेक्ट तो पड़ते हैं, सारे राजनीतिक दलों के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे। और चूंकि वो नई, अब ज़्यादा दिन है नहीं, 2 साल के लगभग समय बचा है, तो उसमें अब 1 साल का पीरियड आप मान लीजिए कि कोई सरकार के पास हाथ में समय है कुछ करने के लिए, बाकी 1 साल तो तैयारी में चली जाती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए करने का यही समय है, इसलिए इसको हम चुनौती भरा स्वीकार करेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस लीडर की हैसियत से, कि ये चुनौती कांग्रेस के लिए चुनौती है। चुनौती है तो कांग्रेस पे इसका सीधा असर है? नहीं, कांग्रेस के लिए जितनी चुनौती है उससे ज्यादा चुनौती तो बीजेपी को भी होगी, क्योंकि ये इन्होंने इतने ज्यादा जनता को लुभाने सपने दिखाए हैं, उन सपनों का अगर असर नहीं होगा तो अभी आप देखिए इसी साल के कुछ महीने के बाद कई राज्यों के और चुनाव होने हैं, और फाइनल टच में अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव होने हैं जी। तो इनको डिलीवरी भी तो करनी होगी। ये चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि हम हारे, हमको कैसे अपने संगठन को, जनता को विश्वास लेने के लिए अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना है, ये है। लेकिन इनको जो विश्वास जनता ने बड़े पैमाने पर किया है, तो उस बड़े पैमाने पर डिलीवरी चाहिए। तो ये चुनौती सिर्फ जीतने वाले की, हारने वाले की नहीं, जीतने वाले की उससे ज्यादा है, जीतने वाले की उससे ज्यादा है। आप कह रहे हैं दो बातें मुख्य तौर से, कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी चुनौती बनकर सामने खड़ी हो ही गई है, जिस तरह से प्रचंड बहुमत उनको मिला है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है कि उसको डिलीवर करना है, जो अपेक्षाएं, उम्मीदें, जो आपने चुनाव से पहले जो आपने वादे आपने उनसे किए हैं, उनके उम्मीदों पर आपको खड़ा उतरना है। ये बड़ी चुनौती है, इतना इस तरह का प्रचंड बहुमत जब मिलता है तो उसका सीधा सीधा लोग आपसे उम्मीद भी ज़्यादा करते हैं। यही उम्मीद 2014 में भी लोगों ने मोदी सरकार से की थी, और इस वक्त आपसे और भी ज़्यादा लोग उम्मीद बढ़ जाएंगे। तो क्या वाकई ये चुनौती है, या आपको लगता है कि 3 साल जो भरोसा 2014 में लोगों ने मोदी में जताया था, वो अभी काम कर रही है और वो काम करती रहेगी इसी तरह से? नहीं, 2014 में जो भरोसा किया था जी, वो भरोसा कायम है, और कायम केवल बातों से भरोसा पर कायम नहीं है, क्योंकि ये सरकार लोगों के लिए जो भरोसा दिलाई थी कि हम काम करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है, इसलिए ये भरोसा बना हुआ है। चाहे वो किसानों के लिए बात करें तो किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बनवाया जा रहा है, बीमा करवाया जा रहा है,
ये सारी चीजों का असर पड़ रहा है और किसानों को ये दिख रहा है। अब लोग फसल बीमा योजना के विषय में कहा करते थे कि पहले भी फसल बीमा योजना थी, कांग्रेस के समय भी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। तो हमारी जब सरकार बनी है तो फसल बीमा योजना में हमने 3-4 चीजों को ऐड किया। पहले ओला से या अधिक बारिश से उसको आपदा में नहीं रखा गया था। हमारी सरकार जब आई तो ओला से भी जो नुकसान होता था उसको भी रखा गया, अधिक पानी से भी नुकसान उसको भी रखा गया। यहां तक कि पहले फसल जो लगी होती थी किसानों के खेत में वहां तक ही फसल बीमा मिलता था। अब अगर जाकर के वो खलिहान में भी रखेंगे और उसका भी नुकसान होगा तो उसका भी भरपाई मिलेगा। मेरा ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई जो शकील साहब कह रहे हैं आप मानते हैं कि ये चुनौती है? इस तरह के प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आपको डिलीवरी करने की चुनौती है या नहीं? इसका असर होगा कि नहीं, ये परिणाम आपके पक्ष में है? चुनौती है, चुनौती लेने का हमारी पार्टी को आदत रही है और जो चुनौती हम लेते हैं उसको जनता के बीच जो हम वायदे करते हैं वो उसको हम डिलीवर भी करते हैं। और हमारी एक नहीं हमारी सरकार जिन स्टेट में भी रहा, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान में आप दोबारा वापस लौट के नहीं आए? देखिए ये किसानों की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए तो बड़े बड़े फैसले बोले थे करेंगे। और उत्तर ही प्रदेश में ओला के लिए जो किसानों की बीमा है उसका चार्ट आपने देखा, किसी को 2,200 रुपया, कोई को 400 रुपया, 1,000 रुपया, और किसानों के लिए इन्होंने वादा किया है कर्ज माफी का, वो सबसे पहले इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, खाली घुमाने फिरने का नहीं कि हम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी शामिल होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद क्या देश की सियासी तस्वीर, जो सियासत है, उसमें कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा तो क्या बदलाव आएगा, किस तरह की तस्वीर बनेगी? पुष्पेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेन जी, आपसे सवाल लेते हैं कि कितनी क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं आते हुए, बिल्कुल सीधा सीधा? देखिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी हो सकता है, भारत की सियासत में जो कुछ आप देख रहे हैं संक्षिप्त में। देखिए मुझे लगता है कि जो पिछले 50 साल से राजनीति हमारे यहाँ बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की चल रही थी कि आप मुसलमानों को रख लीजिए, ब्राह्मणों को रख लीजिए, दलितों को रख लीजिए, आप अपनी उससे सरकार चलाते रहिए, फिर गरीबी के नाम पे सरकार चलाते रहिए, फिर आपने रीजनलिज्म के भाषा के नाम पे चलाया। मुझे लगता है 2014 का चुनाव, जिसमें नरेंद्र मोदी जिस बैकग्राउंड से आए हैं और जिस स्लोगन पे वो आए हैं, मुझे लगता है पूरे देश की एक अलग मानसिकता बदल रही है। और ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है जिसमें जाति का नाम मामला है, कुछ लेने देने का मामला है, दल बदलुओं का मामला है, उस सड़ी हुई राजनीति से मैं समझता हूँ कि बाहर निकलने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे, पंजाब के चुनाव के नतीजे, उसके अलावा और राज्यों में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वोटर की मानसिकता बदल रही है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में भारत में लोगों की सोच में एक जो जिसे कह सकते हैं कि जो रुकावट आ जाती है पानी में, जो उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, उससे बाहर निकलने की छटपटाहट मुझे नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नतीजों के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं, अब आप देखिए कि चुनाव हारने के बाद एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी ने बड़ा ही गलीज किस्म का, बड़ा ही बड़ा पिछले 50 साल स्टीरियोटाइप का लगाया कि साहब अब इस वजह से हार गए। कोई कहता है पोलराइजेशन हुआ, कम्युनलिज्म हुआ, गरीबों के खिलाफ हुआ, डिमोनेटाइजेशन, ये तमाम सारी बातों को आम आदमी ने धत्ता बता दिया। लिहाजा अभी भी कुछ पार्टियां अगर अपने उस ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगी तो मुझे लगता है कि उन्हें इतिहास में जगह नहीं मिलेगी। जी नहीं, वर्तमान में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्या जो एक अहम सवाल है यहां से, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खास करके जो संरचना है अवधेश जी, और केंद्र सरकार पे त्वरित
अभी क्या क्या उसके असर आपको कुछ भी नहीं। देखिए ऐसा है कि इसमें जब, जब आप देखिए मनोहर पर्रिकर जा चुके हैं, नहीं नहीं वो क्या ठीक उत्तर है, वो मनोहर पर्रिकर को तो मजबूरी में चूंकि वहां के जो समर्थन देने वाले विधायकों ने ये लिख के ही दिया गवर्नर को कि अगर मनोहर पर्रिकर बनते हैं तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, इसलिए मनोहर पर्रिकर गए हैं। कोई बहुत व्यापक फेरबदल की कोई संभावना नहीं, वो फेरबदल तो तब होती है जब आप केंद्रीय 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 मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक रक्षा मंत्री चाहिए। अगर किसी को मंत्री से अगर किसी मंत्री को मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उसमें परिवर्तन आना नहीं है जी। देखिए इस समय अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश राजस्थान। मेरा सवाल ये है कि क्या उसके मद्देनजर केंद्र सरकार में जो यहाँ जो जीत हुई है, इस जीत को अगर आगे ले जाना है तो केंद्र सरकार के भी स्ट्रक्चर में, पार्टी के स्ट्रक्चर में भी आपको बदलाव करते हुए कुछ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा है बदलाव करते हुए, क्योंकि उसकी संभावना तब होती जब आप पराजित होते तो ये हो सकता था कि कुछ लोग, बिहार में पराजय के बाद भी कोई बदलाव पार्टी में नहीं हुआ, तो जाहिर है कि इस विजय के बाद कोई बदलाव होगा, कोई ऑपरेशन होगा, उसकी संभावना नहीं है। अब इतना हुआ है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी के नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया है कि जो भी सिटिंग उनके सदस्य हैं उनको वो टिकट नहीं देंगे, उनके परिवार वालों को भी नहीं देंगे। तो ये इस उनके परिवार वालों को नहीं, तो ये चुनाव परिणाम का नतीजा है या अलग रणनीति का नतीजा है? यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी एक आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। भय केवल इतना है कि आत्मविश्वास कहीं अति विश्वास में परिणत न हो जाए, क्योंकि ये जो फैसला है ये फैसला कोई व्यवहारिक नहीं है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया होगा एमसीडी में, जो ईमानदार लोग हैं उनको रिपीट करने में कोई समस्या नहीं थी, उनका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन आपने जो है एक ही हाल से कहते हैं कि सब कुछ जोत दिया है, तो वो एक अति आत्मविश्वास के शिकार में कुछ समस्याएं होंगी। लेकिन तो ये जहां पे आज ये अति आत्मविश्वास आप देख रहे हैं, तो क्या इसका रिप्लिकेशंस या रिप्लिका अदर जगह पे नहीं हो सकता? अदर जगह पर ये है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, लेकिन अब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सहमति के बिना नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, या शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में उनकी सहमति के बिना टिकटों के मामले में कोई बड़ा परिवर्तन होगा ये इसकी संभावना नहीं है। गुजरात में कुछ कर सकते हैं वहां के मुख्यमंत्री को समझा करके, लेकिन बाकी जगह लीडरशिप मजबूत है, उस लीडरशिप की भी अपनी अपनी लोकप्रियता है। अब वहां कर्नाटक में कुछ कर सकते हैं क्योंकि कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन मुझे यह लगता है कि कोई बड़ा नीतिगत और रणनीतिक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन की संभावना नहीं है। ये हो सकता है क्या आप जी? नहीं, ये संभव है कि जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव है या कर्नाटक का चुनाव है, तो वहां 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 की पार्टी में थोड़े बहुत फेरबदल हो चुनाव को देखते हुए, इसकी संभावना है। इस वर्ष गुजरात में चुनाव है तो वहां मुख्यमंत्री ऑलरेडी वो बदला जा चुका है, इसलिए उसकी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इससे जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है ये हुआ है कि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने तब नहीं रखता है जब जनता की सहानुभूति और लहर आपके पक्ष में हो, तो ये उसके साथ जाएगी। और मेरा मानना यह है कि आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा जातीय समीकरण बना करके चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं करेगी, ये एक परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। पुष्पन जी, दिल्ली में भी जो आपके पास लौट के आता, पुष्पन जी देखिए इसमें दो बात तो जरूर है कि एक तो बड़े तत्कालिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आप कहिए कि मंत्रिमंडल में कुछ थोड़ा फेरबदल होगा, वो मुझे भी लगता है कि होगा। उसमें सिर्फ मनोहर पर्रिकर का मामला नहीं, उसमें कई सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई भी सरकार जब 3 साल करीब करीब पूरे कर लेती है दिलीप, तो उसके पास ये मान के चलिए कि जो चौथा साल होता है वो जितनी भी प्लानिंग जितने भी वादे होते हैं वो जब तक जमीन पे नहीं उतारते तो एक ही साल है मोदी के सामने। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने बड़ा चैलेंज होगा, वो नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंज होगा और संगठन के अंदर भी बदलाव होगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि इस मंत्रिमंडल में जो भी चेंज होंगे, चाहे राजनाथ इधर जाए या उधर जाए या ये कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर किसी को बनाया जाएगा, तो आप ये मानिए कि अब डिलीवरी का टाइम है। अब नरेंद्र मोदी से कोई ये नहीं भाषण में सुनना चाहता कि हम 2022 में ये करेंगे, वो जो 2022 का आपका प्रोजेक्ट है वो 2022 में लोग देखेंगे, लेकिन 2014 में जो आपने प्रोजेक्ट किया था वो अगर जमीन पे नहीं उतरेगा उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस देश के मतदाता को अवेयर कर दिया है,
उसको इस लाइन पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो विकास की तरफ सोचे, तो विकास उसे दिखना भी चाहिए, वो बातों में नहीं नजर आएगा। तो वो तमाम सारी चीजें हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार में 13 अप्रैल को जरूर फेरबदल होगा, कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ लोगों को बिठाया जाएगा, और वो इस तरीके से होगा कि 2019 की रणनीति के तहत, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं मैं उससे कुछ हद तक सहमत नहीं हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जमीन के स्तर पर छोटी छोटी जातियों को जुटाया ना होता, नॉन जाटव दलितों को न जुटाया होता, नॉन यादव ओबीसी को न जुटाया होता, तो परिणाम यह नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि वो जो नीचे केमिस्ट्री की गई, उसका परिणाम यह है कि आपने बहुमत सारा गणित बदल दिया। मैं ये नहीं मानता कि जातिगत आंकड़ा नहीं, हां यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो काम होता है वो संघ की वजह से, और जो जमीन पर कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, उसको दिखावा नहीं होता। जैसे 65 लाख गैस के कनेक्शन बने, किसी लीडर ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने 2-3 बार कहा, लेकिन जमीन पर किसी ने नहीं चिल्लाना शुरू किया। लेकिन ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से घर घर जाकर के लोगों को इंगित कर करके कौन गरीब परिवार से है, कौन किस जाति का है, जिस माइन्यूटली उसको डिवाइड किया गया, ये उसका भी परिणाम है। तो मैं नहीं मानता कि कास्ट कॉम्बिनेशन में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह या मायापति की तरह वो फूड़पन करती है जिसका ढिंढोरा ज्यादा पीटा जाता है। जी, एक 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 जो सवाल है डॉक्टर राम सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने चुनाव में उत्तराखंड में देखा और यूपी में भी देखा, कई ऐसे राजनेताओं को पार्टी में लाया गया जो दूसरे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में देखें, या विजय बहुगुणा, यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, कई सारे नेताओं को इम्पोर्ट किया गया, वो आए। तो क्या हम ये देखें कि ऐसे कांग्रेस के और भी नेता और इस तरह के और भी दलों से, जहां पे चुनाव है चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ये बदलाव कि अन्य पहले जो आते थे वो संघ बीजेपी के कैडर होते थे, वहां से उठ के आते थे, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों से, दलों से आप आ रहे हैं और आप उसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी बड़ी हो रही है, तो ये जो बदलाव है ये और तेज होगा, आपको ये लग रहा है? क्योंकि अभी अभी मनोहर पर्रिकर ने जब शपथ ग्रहण सब उनका जब हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस के कई नेता उनके विधायक उनके संपर्क में है, तो क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी में एक मूल रूप से एक परिवर्तन रणनीति में होगा, वो ये होगा कि तमाम ऐसे राजनेता जो अन्य पार्टी से अब आना चाहते हैं जिताऊ पार्टी में, उनको अप्लाई? नहीं, उसमें ऐसा बात है कि अगर विपक्ष कमजोर हो रहा है इस बात से, तो विपक्ष को कमजोर करना भी हमारा, या लोग ये मान करके कि ये अच्छी पार्टी है हमारे साथ आना चाहते हैं, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारी पार्टी के आने के बाद हमारी पार्टी में प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जितने भी अभी 11 करोड़ जो हमने जुड़े हैं, वो पार्टी में नहीं आए, उनको टिकट दिया गया। हाँ, नहीं, टिकट दे करके आए हैं, फिर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। वो प्रशिक्षण क्या होता है? कोई प्रशिक्षण नहीं है, उस प्रशिक्षण में हमारा जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के संदर्भ में बताया जाता है, जो हमारा गुड गवर्नेंस है। कांग्रेस में 70 साल से जो आइडियोलॉजी में था, वो आपके एक प्रशिक्षण में आपकी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बदलना ही पड़ेगा, हमारी पार्टी में रहेंगे तो बदलना ही पड़ेगा उनको। शिविर में आपने शामिल कराया डॉक्टर साहब, और जो अवधेश जी का जवाब, ये हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्या, इनके लिए कौन सा प्रशिक्षण वर्ग लगा? उसके बाद आपने टिकट दिया, एक दिन पहले पार्टी में आया आपने टिकट दे दिया, उत्तर प्रदेश में इतने नेता आए, इनके लिए कौन सा वर्ग लगा? हमने प्रशिक्षण का वर्ग अब उनके लिए आगे किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कार रूप में उसको एक सत्ताधारी कांग्रेस, माने जो हिंदुत्व का छौंक रखते हुए कांग्रेस बनाने की कोशिश वाजपेयी आडवाणी करते रहे, उसमें ज्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि एक सीमा तक ही यह विचारधारा चलेगी, हमको एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनना है, तो दूसरी पार्टी के भी जो आप ये कहते हैं, ये चुनाव परिणाम उससे और, इस चुनाव परिणाम के बाद ये जो स्थिति है इसमें और तेजी आएगी? नहीं, तेजी नहीं, दूसरे पार्टी के लोग शामिल होने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि पार्टियों में, कांग्रेस में निराशा है, जो दूसरे राज्य हैं, जिन जिन पार्टियों में निराशा है, आप जैसे मान लीजिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में बेहतर किया है, तो जो लोग असंतुष्ट होंगे वह नवीन पटनायक से, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और भाजपा उसको जोड़ सकती है। एक, ये सब होगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो ये तस्वीर 36 से 306 संख्या हो गया। मेरा वही सवाल था, मेरा सवाल वही था अवधेश जी, तो इसका मतलब हम ये माने कि इस चुनाव परिणाम का जो असर है भारत की सियासत में, भारत के सियासी दलों पर, वो एक चीज आप तमाम लोग इससे एग्री करते हैं कि सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी में एक इन्फ्लक्स होगा नेताओं का दूसरे दलों से।
निश्चित होगा, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी हो, कर्नाटक में व्यापक पैमाने पर होगा, ये आप समझ लीजिए होना ही है। और यहाँ तमाम जगहों पे कृष्णा वहां आ रहे हैं, हिमाचल में भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि देखिए इस उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम को अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक से व्याख्यात नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। चलिए वो एक अलग उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले शकील साहब कांग्रेस के लिए ये भी एक चुनौती है कि इनफ्लक्स आउटफ्लक्स वहां से, और कांग्रेस में इनफ्लक्स वहां से लोग छोड़ के आएंगे, जैसे बंगड़प्पा के पुत्र के बारे में बता रहे हैं, कृष्णा साहब जो कद्दावर आपके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहले ही आ चुके हैं, तो क्या इस तरह की चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई चिंता करने वाली बात है? तस्वीर बदलेगी कांग्रेस पार्टी का जो की जो अभी हेडक्वार्टर में आप देख रहे हैं बहुत सारे नेता उसमें से भी निकल सकते हैं? देखिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी में ये गड़बड़ी हुई जो आज गड़बड़ी बीजेपी करने जा रही है कि विदाउट आइडियोलॉजी। हाँ, कांग्रेस में बड़ा वर्ग कह रहा है कि आपने सीधा लाया, ठीक है कहीं कहीं पर जीत हार की रणनीति के लिए आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, सरकारें बनाने के लिए कर लीजिए, लेकिन आप जब नीति निर्धारण कमेटियों में जब आप हाई कमांड ऐसे लोगों को बनाएंगे जी। जो आपके साथ आपके विचारधारा के साथ बड़ी लंबी तरीके से दूर रहे हैं, और वो कब आके आपके विचारधारा के साथ साथ आपको संगठन को मजबूत करेंगे इसमें संदेह है। और ये झगड़ा कांग्रेस के अंदर बड़ी दिनों से चल रहा था, कुछ बड़े बड़े नेता सीधे हाई कमांड में आ गए थे, तो इसलिए अब वही काम अगर बीजेपी करने जा रही है तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग ये समझता है कि हार के कारणों में यह भी है कि हमारे जो कांग्रेस के निष्ठावान वर्कर थे उनकी उपेक्षा हुई, और विनेबल कैपेसिटी एक ऐसा शब्द है, इस शब्दों के नाम पर रातों रात पार्टी का नेता बनाने का जो कार्यक्रम चला लगातार उसकी वजह से हार हुई। तो अगर जैसे इस तरह के लोग और चले जाएं जो सत्ता ही के लिए आए थे ना, जब एसएम कृष्णा जैसे जो सत्ता के लिए ही जाएंगे, सत्ता ही के लिए जाएंगे तो वो चले जाएंगे, तो हो सकता है निष्ठावान लोग फिर संघर्ष अच्छी तरह करेंगे और वो चुनौती ज्यादा अच्छी तरह। आप ये कहते हैं ये कांग्रेस के लिए बेहतर है कि जिनको सत्ता के लिए जाना है वो चले जाए, निश्चित। और ये भाजपा सत्ता मिल कहां रहा? इसमें एक पॉइंट दिल बहलाने वाला ख्याल है ये शकील अंसारी जी का। यहाँ तो हमारी पार्टी के जो पुराने और शकील भाई जो कह रहे हैं उसमें एक बात है, आप ये देखें कि दिलीप कांग्रेस पार्टी में जो बाहर से आया, आप पिछले 4-5 साल से हम लोग इसी प्रोग्राम में बैठ के ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है उसके इर्द गिर्द 10 लोग बता दीजिए ऐसे जो कांग्रेसी हों, वो आए और आज कांग्रेसी जो असली था उसको धक्के दे के आपने राष्ट्रपति भवन में जरूर भगा दिया होगा, लेकिन जिनका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं था, जो कांग्रेस को खुलेआम गाली देते थे, वही लोग आज नीति निर्धारण में है भारतीय जनता पार्टी में। हमने देखा कि नहीं हो सकता, एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली का पूरा एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि आपने अपने कार्यकर्ता को जलील कराया और बाहर से ऐसे लोगों के लेके आए जिनका कोई लेना देना नहीं था, और रातों रात आपने उन्हें बड़ा बड़ा पद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा के साबित कर दिया कि आप बाहर से लोग लाइए लेकिन उन्हें हमारा सरमौर मत बनाइए। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द या नरेंद्र मोदी के पीछे या आरएसएस ये तमाम सारे लोग अगर इस बारीक लाइन को मिटा देंगे कि वो बड़ा नेता है तो उसको मोदी के बराबर में बिठा देंगे, वो बड़ा नेता है तो उसको गृहमंत्री बना देंगे, वो बड़ा नेता है, तो इससे वही स्थिति जो कांग्रेस ने 50 साल में कही है जो शकील भाई कह रहे हैं वो होगी, लेकिन ये मुझे कम संभावना इसलिए लगती है, इसमें होने की कोई संभावना नहीं है। पुष्पा जी, संघ परमानेंट है जहां से वो लगातार इस बात को बोलता रहेगा, उसकी अपनी एक भूमिका है, भी कांग्रेस के पास में नहीं था, कांग्रेस में सोनिया गांधी ने जो कह दिया ठीक है, इसलिए आज कांग्रेस में कांग्रेसी कोई बचा ही नहीं है, सारे कांग्रेसियों को आपने हिल्ले लगा दिया है, तो ये एक बेसिक फर्क है और इसका सबक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में देख चुकी है। दूसरी बात जो अभी अवधेश जी ने कहा कि एमसीडी के मामले में, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा कि भाई टिकट के लिए परिवार के लिए दबाव न डाला जाए, तो उससे मैसेज यह गया कि किसी के परिवार में टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन आप उत्तराखंड देखें और उत्तर प्रदेश देखें,
इतना ज्यादा भाई भतीजावाद हुआ है कि किसी के पोते को तक को टिकट दे दी गई है, बेटों को तो दे दी गई। तो ये बात अलग है कि अभी एमसीडी के ये बयान आया है, जमीन पे ये बात कितनी उतरेगी, जिस वक्त जीत हार का फैसला होगा तब इस मुआयन का कितना मतलब है तब देखिएगा। जी अवधेश जी, एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर नेताओं को जरूर शामिल कर रही है, लेकिन केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उसने अभी तक कोई ऐसे बड़े नेता को शामिल करके और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में लाया नहीं है। तो ये एक एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि राज्यों में इस कारण असंतोष रहा है, लेकिन कई बार पिछली सरकारों की ऐसी गलतियां होती है कि असंतोष डूब जाता है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीटें ऐसी थी जहां कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन जब आपके पक्ष में एक लहर जैसी स्थिति होती है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती। अध्यक्ष जी, मैं जो कार्यकारिणी तो बना सकते हैं, कार्यकारिणी में कोई समस्या नहीं, कार्यकारिणी में पदाधिकारी कोई नहीं बना दीजिए, आमंत्रित बना दीजिए। नहीं, मैं मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाल करिएगा। जो पुष्पेंद्र जी ने पहले कहा, देखिए इस मैंने पहले भी कहा कि कोई भी भविष्य के का आकलन करते समय इस चुनाव परिणाम के एक दो बिंदु को समझना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव पिछड़े समीकरण, गैर जाटों दलितों का समीकरण ऐसा एक बनाने की अपनी ओर से कोशिश की थी, लेकिन यह विजय उस कोशिश का परिणाम नहीं है, क्योंकि सामाजिक समीकरणों के विजय की एक सीमा होती है। आपको 200 तो उसी की उसी का नतीजा है, आप उसकी सीमा है, ये तो उसी का नतीजा है। नहीं नहीं, उसका नतीजा नहीं है। बात सुनिए ना जी, उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा चुनाव में लोगों ने जाति की सीमाओं को तोड़ करके वोट दिया और एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ठीक वही पैराडाइम शिफ्ट इस विधानसभा चुनाव में रहा है। आप अनेक ऐसे क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के नेता जीते हैं जहां जादमों की बड़ी संख्या है, तो जहां जादमों की बड़ी संख्या है, पूरी बात कर रहा हूं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जातीय समीकरण का चुनाव नहीं है, जातीय समीकरण के चुनाव की सीमा होती है, हम अलग चर्चा कर लेंगे जो इस वक्त। नहीं नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जन आगे से ये एक उत्तर प्रदेश नजीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, दूसरे नेताओं के लिए भी, क्योंकि जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा बसपा जो रही है, और बसपा जहां 250 सीट जीतने की कल्पना कर रही थी 19 पर सिमट गई, और बसपा अगर इससे बाहर नहीं निकलेगी तो मायावती के नेतृत्व वाले बसपा का अंत भी हो सकता है इस चुनाव के साथ, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए जो बड़ा परिवर्तन इस देश में होगा आगे, वो होगा कि जाति और क्षेत्र की राजनीति शायद टूटेगी। जो बिहार के चुनाव की ये बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव में ये जरूर देखा गया कि जातीय समीकरण ने कुछ काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विद्रोह, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ये सब भी एक बड़े कारण थे उसके हारने के पीछे। लेकिन और केवल जातीय समीकरण के जीत नहीं थी, 3% बहुत इधर से उधर हुआ और परिणाम बदल गया था। आप जिस बात को कह रहे हैं उसके आगे जाके एक सवाल है, पहले तो मैं उस सवाल को आपसे किया कि जो तस्वीर आप ये कह रहे हैं कि ये जाति और धर्म इस क्षेत्र से ऊपर उठ के अगर ये अगर नॉन जाटव दलित को जोड़ने का प्रयास किया गया, नॉन यादव ओबीसी को जोड़ने का प्रयास किया गया, अगर हिंदुत्व के एजेंडे को भी रखा गया, तो ये तो जातीय और तमाम चीजों को जोड़ के ही ने जीता गया है। जरूर जोड़ा, तो अगर भाजपा ने किया नहीं, अगर भाजपा ने किया है तो उसी का फायदा मिला है। इसको आपने सुना नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया तो वही जनता में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बड़े निकृष्ट तरीके से मुसलमानों के तुष्टिकरण की कोशिश कर रही थी कि हमको वोट दो, सपा हार जाएगी, और सपा कहती थी कि हमको वोट दो नहीं तो ये भाजपा से मिल जाएगी। चलिए, तो उसके खिलाफ भी एक वातावरण बना, इसमें जातीय सीमाएं उसमें टूट गई। मैं इस बात को और क्लियर कर दे रहा हूं कि बिहार के चुनाव से सबक लेकर भी यूपी के लोगों ने जो गलतियां बिहार के लोगों ने किया था और जो बिहार के लोग अभी पछता रहे हैं, नहीं बिहार के लोग पछता रहे हैं, आज वहां अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, आज सुशासन बाबू उसका भी असर है। और यूपी का चुनाव परिवारवाद के खिलाफ था, आतंकवाद के खिलाफ था। चलिए चलिए, मैं आपके यूपी का चुनाव पे हमारा है कि तस्वीर कितनी बदलेगी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो हमारे पास समय कम है। एक सवाल और है शकील साहब, कांग्रेस पार्टी में एक समय आया कि हमें गठबंधन करना चाहिए, दूसरे समय आया कि हमें एक अकेला चलना चाहिए। इस वक्त इस चुनाव परिणाम का आप देख रहे हैं, इससे पहले ही आपने चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में पहले शीला दीक्षित को ले गए, फिर अकेले नहीं जाने का फैसला किया, राहुल गांधी अखिलेश के हाथ साइकिल पे बैठ गए और साइकिल पे
का जो हाल हुआ, हाथ साइकिल दोनों के किस हाल में है आप देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें हाथी को भी उठाया जाएगा, क्या ये प्रयास होंगे अब कि इस तरह के तमाम फोर्स, क्योंकि जो चुनौती आपने कहा उससे कांग्रेस इस वक्त अकेले लड़ने में कामयाब नहीं दिख रही है। देखिए, बिहार की तुलना यूपी से जब करते हैं, नहीं मैं तो देश के बात पर मैं आ जाऊँ ना वहीं पे तुलना करते हैं तो उसमें सही नहीं है, इसलिए कि जो वहाँ पर गठबंधन था, एक्चुअली गठबंधन आमने सामने का था और यूपी में कोई गठबंधन जल्दी में किया गया ऐसा एक प्रयास था दो पार्टियों के बीच में, जिसमें एक बड़ी पार्टी अलग थी। आप अगर रिजल्ट को एनालिसिस कीजिए, बसपा का वोट और गठबंधन के वोट मिलाइए, तो वो बहुत जगह हम समझते हैं मेजोरिटी से ज़्यादा है, वो मेजोरिटी अकेले ये दोनों गठबंधन को अगर, तो अब उसको जीत तो हुई। अब उस कारण आप बोलिए कि बीजेपी ने बड़ी कास्ट पोलराइजेशन किया, धर्म पोलराइजेशन किया, यादव और मुसलमानों के, ये सब कहने की बात है। सीधा अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी कमज़ोर होती। अब रहा कि ये सब लोग कमज़ोर हो चुके हैं, तो एक टाइम था बीजेपी भी बहुत कमज़ोर थी तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करती थी गठबंधन का और उस गठबंधन के से अपनी ताकत को बढ़ाया। तो अगर लेड बाई कांग्रेस या कुछ और लोग और पार्टियां ये अगर कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं कि ये कोशिश कोई दूर नहीं है, ये होते हुए देख रहे हैं आप। हाँ, लगता है कि ये होना चाहिए, होगा जी। अच्छा दिलीप जी, आप लोग इस बात को क्यों नहीं लेते हैं कि यूपी की जनता विकास को देख करके भी वोट किया है, क्योंकि जो बातें तो विकास किसका विकास, लोगों का विकास। हाँ तो वह तो बिजली, बिजली का उत्पादन तो कर रहे थे ना। मोदी जी की सरकार ने बिजली का उत्पादन में बढ़ोतरी किया, मोदी जी की सरकार ने सड़कों के विकास में बढ़ोतरी किया, सीधे 3 गुना विकास हुआ, रेल के विकास में बढ़ोतरी हुआ, सीधे 2 गुना विकास हुआ, बिजली का प्रोजेक्ट, रेल का प्रोजेक्ट भी रेल का यूपी में नहीं हुआ है। अब बेकार की बात है, आप सुन तो लीजिए, जब 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 सुविधा मिलती है तो सारे जगह के लोगों को मिल रहा था, यूपी के लोगों को भी मिल रहा था, सड़क का सुविधा, रेल का सुविधा, हॉस्पिटल का सुविधा, बिजली का सुविधा, लोग सुन रहे हैं आप। हाँ, और जो 18,000 पूरे देश में 18,000 जो महरूम थे गांव बिजली व्यवस्था से, अब वो 18,000 में 16,000 गांव को बिजली मोदी सरकार ने पहुंचा दिया। वायदा तो 1,000 दिन के अंदर का बात था, लेकिन 1,000 के अंदर में ही 16,000 गांवों में बिजली पहुंचा दिया गया। उज्ज्वला योजना के द्वारा लोगों को, गांव के लोगों को गैस दिया गया। चलिए चलिए, बहुत स्वास्थ्य को बचाया गया, क्या क्या यूरिया, यूरिया नीम कोटेड यूरिया दे करके किसानों का कल्याण हुआ। पहले बता चुके हैं ये तमाम बातें। दिलीप जी, शकील भाई जो कह रहे हैं जी, मेरा सवाल उन बातों को भी देखिए कि सरकार ने काम करके दिखाया है, व्यवस्था परिवर्तन करके मोदी सरकार ने दिखाया है। दिलीप जी, अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ है, मेरा सवाल है कि जो शकील साहब कह रहे हैं कि ये स्थिति, ये तो होती रही, जो पार्टी कमजोर होती है या जब कमजोर होता है, जब चुनौती बड़ी होती है तो इस तरह के प्रयास, जब बीजेपी कमजोर थी तब भी उन्होंने किया था, आज एनडीए के बदौलत और एनडीए का और अलग तरह के गठबंधन करके आप यहां तक पहुंचे हैं, शकील साहब कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर जरूर बदलेगी, कांग्रेस लेड या कांग्रेस उसमें शामिल हुए कुछ गठबंधन जरूर तैयार होगा, जो शकील साहब कह रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? का उत्तर मैं देने जा रहा था। शकील भाई कह रहे हैं, देखिए ये पूरे स्थिति का बहुत सरलीकरण है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लाई थी जब वो पार्टी बनी थी और इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की एक शक्ति बनी रही है देश में। आप देख लेंगे कि उसके बाद 89 सीटें आई, उसके बाद देखेंगे 119 सीटें आई, फिर 161 सीटें आई, फिर 182 सीटें आई, फिर 182 सीटें आई, फिर उस सीट में से घटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने विचारधारा का परित्याग किया और गठबंधन करने लगी और गठबंधन पर निर्भर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, उसके लीडरशिप कमजोर हो गए, उनकी आवाज में दम नहीं रहा, उत्तर प्रदेश खो गए उसके कारण से, कई राज्य उन्होंने उसके कारण से खोया, महाराष्ट्र खोया उसके कारण से, गठबंधन के कारण से। इसलिए ये जो कह रहे हैं उसकी स्थिति उल्टी है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, गठबंधन का मतलब था कि चुनाव के बाद 1998 में चुनाव के बाद वाजपेयी जी ने सरकार बनाने के लिए गठजोड़ किया और वो एक परिणाम रहा। 1999 में उसी गठजोड़ ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के साथ जो समस्या है वो ये है कि उसका उसके नेतृत्व ने अभी तक ये आत्ममंथन किया ही नहीं कि हम पराजित क्यों हो रहे हैं।
वो हमेशा भारतीय गुजरात और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, वोट खरीद लिया तो सांप्रदायिकरण कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया, यही सब करते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली थी कि उसके नेतृत्व में चुनाव के बाद भी एक गठबंधन बन जाता था, लेकिन कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है कि उसके लीडरशिप में कोई गठबंधन जल्दी खड़ा होने को तैयार हो, एक आध पार्टियों को छोड़ दे। जो तीसरी बात जो सामने आती है केंद्रीय स्तर पर कि अभी तक जब भी गठबंधन बना है एंटी बीजेपी या तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की बड़ी भूमिका रही है, सीपीएम स्वयं इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके ही बात को मान करके और उसके साथ आगे आने वाले लोगों की कमी हो गई है। ऐसे अनेक अंतर विरोध हैं जिसके आधार पर दिखाई देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 तक किसी सशक्त जो है गठबंधन के चुनौती की संभावना नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने में इंटरनल रिफॉर्म नहीं करेगी नेतृत्व नीति और रणनीति के स्तर पर और वो सशक्त नहीं होगी, तब तक किसी बड़े गठबंधन की संभावना नहीं दिखती है। पुष्पेंद, बिहार में हमने देखा कांग्रेस जेडीयू आरजेडी तीनों, जबकि कांग्रेस सबसे कमजोर सबसे छोटी पार्टी के रूप में, लेकिन गठबंधन में है। तो जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वहां पे भी कंपल्सन था, नीतीश कुमार का कंपल्सन था, लालू प्रसाद यादव की मजबूरी थी और कांग्रेस पार्टी की तो मजबूरी थी, तो तीनों मिलकर वो आ गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरी मौके पर जाके अखिलेश के साइकिल पर बैठ गए, सब बसपा को नहीं ला पाए, लेकिन अब बसपा भी कमजोर है यहाँ पे और बहुत कम दिन रह गए हैं। तो मैं अगर राज्य स्तर पे नहीं भी देखें, राजस्थान मध्य प्रदेश जहाँ पे कांग्रेस खुद मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे आपको नहीं लगता है कि ये जो है कांग्रेस चाहे कमजोर हो या मजबूत हो, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मोदी को कैसे रोका जाना है। तो उसके लिए एक मोदी चुनौती बन के अगर उनके सामने है तो मोदी जैसे चुनौती को लड़ने के लिए सिर्फ एजेंडा ये नहीं कि कांग्रेस कमजोर है या कांग्रेस मजबूत है, एजेंडा है कि मोदी मजबूत हो रहा है उसे रोकना है। देखिए, दो चीजें होती है राजनीति में मजबूती की, मोदी जीत रहे हैं, एक तो ये मजबूती है जो चुनाव जीतना होता है, लेकिन मोदी अवाम में पब्लिक के अंदर कितनी गहरी पैठ बना रहे हैं। आप देखें 71 की इंदिरा गांधी देखें और 2017 के नरेंद्र मोदी को देखें, उस वक्त इंदिरा गांधी सिंडिकेट से बाहर निकली, 71-17 उलट गया है। नहीं, मैं उसको दूसरे से कहना, मैं कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त इंदिरा गांधी जब एक छत्र राज होता था कांग्रेस में, तब भी वो सिंडिकेट से डरती थी, तब भी उनके पीछे उनको लोग कमजोर करने की कोशिश करते थे और उस डर की वजह से कभी कभी बैकफुट पे जाती थी। 2017 का नरेंद्र मोदी को न तो संघ डरा पा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा पा रहे हैं, न कोई कॉकस क्रिएट हो पा रहा है, और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही बीजेपी है। ये बीजेपी को अगर कोई ये कहे कि ये बीजेपी की जीत है तो मैं नहीं मानता हूं। ये आज की बीजेपी नरेंद्र मोदी की बीजेपी है जिसमें नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी क्रेडिबिलिटी, तो उनके खिलाफ तो इसका मतलब ये करें तो क्या बीजेपी के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाहर के जो उनके चुनौती देने वाले हैं उनके साथ? मैं समझ गया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज भी बदला है, इसलिए मुझे लगता है कि जो भी नरेंद्र मोदी को अंदर से कमजोर करेगा या जो भी कमजोर करता हुआ नजर आएगा उसे जनता पैदल कर देगी। की जनता है। एक नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी इस वक्त इतनी हाई है कि नरेंद्र मोदी जिस पे हाथ रख देते हैं वो जीत जाता है। नरेंद्र मोदी को वोट दिया है उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि लोगों को नहीं पता कि लोकल एमएलए कौन है। तो ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा है। दूसरी बात जो कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कांग्रेस का कोई नेशनल आउटलुक ही नहीं है इस वक्त। कांग्रेस का सारा गणित जो है किसको पकड़ के कैसे जीते, उस जीत हार में वो इतनी दूर तक चले गए कि उनकी एंटोनी कमेटी ने जो भी कुछ रिकमेंडेशन दी उन्हें सुना और कूड़े में डाल दिया। लिहाजा चुनाव जीतना एक अलग बात है और दिलों पे राज करना एक अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के मामले को कांग्रेस जैसी पार्टी ने नहीं समझा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना सख्त फैसला लिया और उसके बाद वो बीच में थोड़ा सा उनको लगा भी कि चीजें ऐसा ना हो जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय सियासत से ऊपर उठ के लोगों के बीच, मैं वही कह रहा हूं, वो अपना आधार बना चुके हैं, पैठ बना चुके हैं और इसलिए पार्टी के अंदर से चुनौती भले ही हो। नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, समय खत्म हो गया है जी, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है दिलीप कि उन्होंने आज के वोटर को एनलाइटन कर दिया है। ये वोटर जो है वो यकायक ऐसा नहीं होगा कि अगली बार अच्छा नरेंद्र मोदी ने हमारी सड़क नहीं बनाई थी, इधर से नल की टोटी नहीं लगी थी तो हम बीजेपी कांग्रेस को वोट दे देंगे, ये नहीं होने वाला। ये जब दूसरी पार्टी होगी उससे ज्यादा उनसे उम्मीद करेगा, बहुत कम तो सिर्फ वादे पे बात नहीं चलेगी। बहुत कम शब्दों में एकदम आपको लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर सियासत में अगर आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है वो कौन सी चीज होगी?
देखिए सबसे बड़ी बात यह कि सियासत कोई ऐसा नहीं कहे कि एकदम परमानेंट हो गया है, अब नरेंद्र मोदी एकदम ऐसे हो गए हैं कि वो आप हटेंगे, तो मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है जी। और इश्यूज है, एक घटना किसी को सत्ता में ले आती है और सत्ता से बाहर करती है, और जिस तरह से इनको जीत मिली है, अगर ये ठीक तरीके से निश्चित रूप से ये चल नहीं पाएंगे, तस्वीर तो क्या बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। आप देखा बदलाव क्या देख रहे हैं, एक बदलाव, एक बदलाव क्या आते हुए, निश्चित रूप से एक बदलाव आप आते हुए क्या देख रहे हैं, नहीं नहीं उनका तो है ना वो एक बदलाव आप आते हुए, एक बदलाव क्या आते हुए देख रहे हैं, जिस बदलाव को आप मानते हैं कि ये होना बिल्कुल निश्चित है, आप निश्चित रूप से इनकी पार्टी के अंदर और संघ परिवार के अंदर बहुत बड़ा मतभेद उभर के सामने आया। डॉक्टर राम सागर जी, डॉक्टर राम सागर जी, हजार ख्वाहिश निकले, बाप रे बाप। देखिए ये जो आप एक बदलाव, सिर्फ एक बदलाव हमें बताया, समय खत्म हो गया है, ये एक बड़ा बदलाव ये आएगा कि काम की गति काफी बढ़ जाएगी। चलिए काम विकास की गति, विकास की गति, विकास की गति काफी बढ़ेगी। अवधेश जी एक बदलाव देखिए, सबसे बड़ा बदलाव नहीं होगा उसको मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का अभी डी जेनरेशन क्षरण और होना बाकी है उसको ऊपर उठने के लिए, इस चुनाव परिणाम से वो भी और होगा, और होगा 2019 तक कांग्रेस में हम ज्यादा क्षरण देखेंगे, विपक्ष में भले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलते हुए भी बिखराव ज्यादा दिखेगा, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2019 तक मुझे लगता है कि बढ़ी हुई दिखाई देगी। अखिलेश जब पूछा जाता था क्या होगा वो गठबंधन करते हुए, देश ये देख रहा है कि इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महाराज जहाज लेकर के अमेरिका निकल गए, ये समझ नहीं आ रहा है वो कहां गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, शकर साहब और डॉक्टर राम सागर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चुनाव परिणाम के बाद क्या भारत में सियासी तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आएगी। भारत अवधेश जी, यही सवाल है आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र सरकार में, और फिर अन्य दल जो सियासी तस्वीर है भारत की, उसमें कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है इस चुनाव परिणाम के बाद, और क्या क्या वो बदलाव होंगे मुख्य रूप से। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों का उत्तर प्रदेश में अगर पराजित हो गई होती जी, तो इस समय विपक्ष भी हमला कर रहा होता, कहता कि ये मोदी सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह है, यद्यपि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर प्रश्न नहीं उठता जो स्थिति पार्टी की है जी। लेकिन उनके समर्थकों के अंदर में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में एक संशय पैदा होता इनके नेतृत्व को लेकर के, ये भाव पैदा होता कि शायद देश की जनता इनके नेतृत्व को अब स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन जब आप विजय हो गए हैं तब इसके बाद देखो जो पहला परिणाम तो ये आया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व का पहले से ज्यादा सशक्त सुदृढ़ीकरण हुआ है, अब वो कंसोलिडेशन हो गया हुआ है। अब इस समय से 2019 तक कोई सवाल खड़ा होने का मतलब नहीं है। दूसरा, बिहार पराजय के बाद जो उत्तर भारत में एक बन रहा था कि शायद गठबंधन हो करके इनको पराजित कर सकते हैं, जातीय समीकरण बना करके भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सकते हैं, वो इस उत्तर प्रदेश के चुनाव से ध्वस्त हुआ है कि आप जातीय सांप्रदायिक समीकरणों से नहीं पराजित कर सकते हैं। जो तीसरी स्थिति बन रही है वो यह है कि 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी का रास्ता ज्यादा आसान हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मुख्य ऐसा राज्य था जहां जो कि बैरोमीटर था इनकी लोकप्रियता का। इसके बाद जहां जहां चुनाव है राज्यों का, हिमाचल प्रदेश में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, तो जाहिर है कि वीरभद्र सिंह की सरकार उसको बदल देगी, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो गुजरात के चुनाव की स्थिति आप कल्पना कर लीजिए, उसके बाद 2018 में मई में जो है कर्नाटक का चुनाव है, सिद्धारमैया की सरकार वहां लोकप्रिय हो चुकी है, पार्टी में कलह और विद्रोह है कांग्रेस का। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, करीब नवंबर दिसंबर 2018 में होगा। तो उन तीनों राज्यों में राजस्थान को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई चुनौती नहीं है। उसके बाद 2019 आ जाता है,
तो दो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 उत्तर प्रदेश की विजय के बाद यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ज्यादा आसान हो गया है और विपक्षी के बीच एकता कई मायनों में जो है, ये चाहेंगे जरूर कि हमारे बीच एकता हो, लेकिन वो एकता कई मायने में असंभव है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बने इसकी कोशिश भी हो, लेकिन उस कोशिश में सफलता की संभावना छिन हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई गठबंधन बनता भी है तो उत्तर प्रदेश के किसी नेता की यह हैसियत नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश में जाके कांग्रेस को चुनाव डलवा सके या पंजाब में जाके डलवा सके या आंध्रा में जाके डलवा सके, जो इस समय दलों की स्थिति है जी। तो एक गठबंधन की कोशिश होगी, उस कोशिश वो चलेगा जिस प्रकार से चल रहा है, लेकिन कोई बड़े गठबंधन का, उस गठबंधन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े चुनौती की संभावना 2019 तक हमको नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए 2017 के उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फिर से सरकार बनाने की एक आधार भूमि मेरी दृष्टि में साबित हुई है। चलिए एक छोटा सा और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ होंगे।